OMG, महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज की अब ऐसी हो गई है हालत। भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अब तक बहुत सीरियल आए और गए, लेकिन जो सफलता रामायण और महाभारत को मिली वैसी सफलता आज तक कोई सीरियल नहीं दोहरा सका। इन सीरियल के शुरू होने के समय सड़कें सूनी हो जाती थी, लोग अपने सारे काम छोड़कर ये शो देखने लगते थे। और तो और जब ये धारावाहिक शुरू होता था तो महिलाएं रामायण में राम और महाभारत में कृष्ण किरदार को निभाने वाले एक्टर की आरती उतारती थी, और जब तक ये धारावाहिक चलता तब तक सभी लोग हाथ जोड़कर बैठे रहते थे। रामायण में श्री राम का किरदार अरुण गोविल ने निभाया था, जबकि महाभारत में श्री कृष्ण का रोल नीतीश भारद्वाज ने किया था। ऐसा भी सुनने में आता था कि जब ये दोनों व्यक्ति कहीं जाते थे तो लोग उन्हें सच का श्री राम और श्री कृष्ण समझकर पैर छूने लगते थे। लेकिन क्या आपको पता है महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाकर मशहूर हो चुके नीतीश भारद्वाज आजकल कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? शायद आपको पता नहीं होगा और आपने ये पता करने में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई होगी। चलिए हम ही बता देते हैं। नीतीश भारद्वाज एक मशहूर एक्टर रह चुके हैं। उनका जन्म 2 जून 1963 को हुआ था। वो 1996 में जमशेदपुर से BJP के टिकट पर लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। नीतीश महाभारत के अलावा कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। उनकी आखिरी हिंदी फिल्म ऋतिक रोशन की मोहन जोदारो थी। 54 साल के हो चुके नीतीश अब कुछ ऐसे दिखते हैं।